आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। शहजाद अली पर कसता जा रहा है शिकंजा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कोतवाली में हुई पत्थरबाजी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली के खिलाफ जिला प्रशासन ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। उसके अनेक ठिकानों पर पुलिस छापेमारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कोतवाली में हुई पत्थरबाजी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी हाजी शहजाद अली के खिलाफ जिला प्रशासन ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। उसके विभिन्न ठिकानों पर पुलिस छापेमारी की जा रही है। पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन अभी तक वह पुलिस की पकड़ से दूर है। इससे पहले करीब 10 करोड़ रुपए से बनाई गई उसकी हवेली को ध्वस्त किया जा चुका है। 21 अगस्त को हुई इस घटना के बाद से पुलिस आरोपी शहजाद अली को लगातार तलाश रही है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस को इस बात का शक है कि कहीं आरोपी देश छोड़कर ना चला जाए, इसलिए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। छतरपुर के एसपी अगम जैन ने बताया कि आरोपी शहजाद अली को पकड़ने के लिए पुलिस पिछले 4 दिनों से प्रयास कर रही है। चूंकि शहजाद अली के संबंध अन्य देशों में भी है, इसलिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। उसके संभावित ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। हाजी शहजाद अली ने 2 दिनों पहले अपना वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया था। 3 मिनट के इस वीडियो में हाजी कई बार अपने आप को बेगुनाह और पुलिस का मददगार बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग करता देख वीडियो सामने आने के बाद भी पुलिस अभी तक इस बात का पता नहीं लगा सके कि आरोपी ने ये वीडियो कहां से, कब और किसके घर से जारी किया था। फिलहाल पुलिस सरगर्मी से आरोपी की तलाश कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने की बात कह रही है।